किसको समझ में आया? ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया है। देखो इधर आप पहला क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं नंबर वन, यानी कि डिस्कवर्ड बाई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एबियो सिस्टम की डिस्कवरी किसने की है, एबियो सिस्टम की खोज किसने की है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा, के एल स्टीनर। क्या लिखेंगे? के एल स्टीनर। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, तब भी क्या लिखेंगे? के एल स्टीनर। और यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लिख लो एमपीसीएचओ 2022। लेकिन अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि आरए सिस्टम की खोज किसने की है, कार्ल स्टीनर यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ पूछा जाए तो बेटा यहाँ पे लिखना किसने की है, के एल स्टीनर, राइट। और सेकंड है बेटा कौन? अलेक्जेंडर। कौन है बेटा? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, राइट। एंड विनर, यानी कि के एल स्टीनर, अलेक्जेंडर एंड बिनर ने बेटा आरए सिस्टम की क्या की थी, खोज की है, राइट। ये किसके अंदर? ह्यूमन आरबीसी के अंदर क्या डिफाइन किया गया था, समझ रहे हो? ह्यूमन आरबीसी के अंदर डिफाइन किया गया, जबकि ये तीन बंदर थे, कौन कौन से? नंबर वन के एल स्टीनर, अलेक्जेंडर एंड बिनर। इन तीनों बंदरों ने एक बंदर को पकड़ा। यह डिस्कवरी कब हुई थी बेटा? यहां लिख रहा हूं सिंस, यानी कि अगर मैं लिखूं सिंस, कब की थी बेटा? 1900, राइट। कब की गई थी? 1900। जबकि यह कब हुई थी बेटा? यानी कि 1940, ठीक है, 1940 में। यानी कि तीन बंदर थे, कौन कौन से? के एल स्टीनर, अलेक्जेंडर एंड बिनर। इन तीन बंदरों ने एक बंदर को पकड़ा। इसको पकड़ा बेटा? एक बंदर को। और जिस बंदर को पकड़ा उसका नाम था बेटा रिसस मंकी। क्या था बेटा? रिसस मंकी। एक बंदर को पकड़ा, उस बंदर का नाम था रिसस मंकी। याद रहेगा बेटा रिसस मंकी। अरे बंदर, मंकी मीन्स बंदर, बंदर का नाम था रिसस। हाँ आर एच है बेटा, रिसस मंकी। इस रिसर्च मंकी की आरबीसी को निकाला इन्होंने। क्या निकाला बेटा? आरबीसी को निकाला, राइट। ये रिसर्च मंकी की क्या है? आरबीसी है। इसकी रिसर्च मंकी की। इन तीन बंदरों ने एक बंदर को पकड़ा, इसकी आरबीसी को क्या किया बेटा? एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट कब किया बेटा? 1914 में किया। कब किया? 1914। इन्होंने डिस्कवरी करने के बाद इनको इनको मिला, आरबीसी की सरफेस में एक एंटीजन होता है। आरबीसी की सरफेस में क्या होता है? एक एंटीजन होता है, और इस एंटीजन को नाम दिया बेटा क्या? डी एंटीजन। क्या नाम दिया? डी एंटीजन नाम दिया, राइट। समझ लो कौन सा नाम दिया? डी एंटीजन। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आरएस फैक्टर या आरएस सिस्टम में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? डी एंटीजन प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? डी एंटीजन प्रेजेंट होता है। जबकि चलो चालू करो अपना मोबाइल का टॉर्च, चालू करो सभी, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी। एच है बेटा, एच क्या करें, लाइट भी आ जाएगी, मोबाइल भी मुझे दे दो बेटा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? बेटा हमारे भोपाल में बड़ी समस्या होती है लाइट जाने की। क्योंकि लाइट वाला भी समझता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना डिस्टर्ब किया जाए, है ना, क्यों ना डिस्टर्ब किया जाए।
याद रखना आरए सिस्टम पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बेटा? दे रहा है। बस सुनो, आरए सिस्टम में एंटीजन होता है उसको डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है। और इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ, आरबीसी की सरफेस में, आरबीसी के इनसाइड एंटीजन एंड एंटीबॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया है। ये बात समझ में आ गई? अरे आई थी नहीं रानी, और डायमंड नहीं आया आज, घर गया हमने। देखो बेटा इधर, अब मैं यहाँ पे आपसे लेकर रहा हूं, देखो, यानी कि 85% पॉपुलेशन पे इन वर्ल्ड, बेटा इन वर्ल्ड लिख रहा हूं मैं, इन वर्ल्ड यानी कि 85% पॉपुलेशन में दुनिया पे जिनका ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर डी एंटीजन प्रेजेंस होता है, यानी कि जिनके अंदर डी एंटीजन प्रेजेंस होता है उन पर्सन के ब्लड ग्रुप को आरएच पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हो? आरएच पॉजिटिव के ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसमें क्या होता है, डी एंटीजन प्रेजेंस होता है, डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, राइट? जिन पर्सन के ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन प्रेजेंस होता है उनको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है। जैसे मान लीजिएगा किसी का, यहाँ है रानी का ब्लड ग्रुप है ओ, क्या है रानी का ब्लड ग्रुप? ओ पॉजिटिव, एंड अरमान, अरमान का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, और आप में से बताओ मनु, दीपा कौन सा है अपना? ओ पॉजिटिव। बिल्कुल, क्योंकि अधिक पॉपुलेशन का 50% ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ पॉजिटिव कॉमन होता है, यानी कि इस ओ पॉजिटिव पे देख रहे हो आप, ये ओ पॉजिटिव पे ब्लड ग्रुप, इसमें क्या है बेटा, किसी टाइप का एंटीजन प्रेजेंस नहीं है एको सिस्टम से, ना अल्फा एंटीजन प्रेजेंस है ना बीटा एंटीजन प्रेजेंस है, बट इसके अंदर जो डी एंटीजन है वो प्रेजेंस है, इसलिए इसको क्या बोला, ओ पॉजिटिव। अगर इसके अंदर डी एंटीजन एब्सेंस होता इसको बोलते बेटा ओ नेगेटिव, क्या बोलते इसको, ओ नेगेटिव। जैसे ये ए पॉजिटिव है इसके अंदर डी एंटीजन प्रेजेंस है इसलिए ए पॉजिटिव है, अगर डी एंटीजन एब्सेंस होता तो इसको क्या बोलते बेटा, ए नेगेटिव। और दुनिया में सबसे ज्यादा जिस ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वह होता है बेटा ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति को सरकार बचा के रखती है, क्योंकि इमरजेंसी में यही काम आता है, बहुत रेयर मिलता है, और इसी को हम इमरजेंसी ब्लड के नाम से जानते हैं। पर्सन के अंदर कोई बीमारी नहीं है, ब्लड ग्रुप डिफाइन नहीं हो रहा है तो ओ नेगेटिव चढ़ा दो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, एंटी डी तो एब्सेंट है सही, और इधर से दोनों एंटीजन भी एब्सेंट है, किसी टाइप का एंटीजन प्रेजेंस है ही नहीं, किसी टाइप का एंटीजन प्रेजेंस है ही नहीं, नहीं है तो रिएक्शन होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड में कितने परसेंट लोग आरएच पॉजिटिव है, तो कितना लिखेंगे बेटा, कितना लिखेंगे, 85%, कितना लिखेंगे, 85% लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 85%। अगर आपसे पूछा जा है कि वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन आरएच नेगेटिव है तो कितने लिखेंगे बेटा, इन वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर बात कर रहा हूँ, 15% क्या है बेटा, आरएच नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि जो डी एंटीजन है, ये डी एंटीजन क्या है बेटा, एब्सेंस है, क्या है, एब्सेंट है,
जिन ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन एब्सेंट होता है उनको नेगेटिव कहा जाता है, और जिन ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन प्रेजेंट होता है उसे पॉजिटिव कहा जाता है। यहां तक आपको समझ में आया? बेटा ये याद रखना है। अब इधर देखो एबियो सिस्टम को फर्दर हम 4 टाइप में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। फर्दर कितने टाइप्स? 4 टाइप में क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाइड करते हैं। क्या करेंगे बेटा, क्लासिफाइड करेंगे। आप 4 टाइप में कैसे, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा ब्लड ग्रुप ए, देन ब्लड ग्रुप बी, देन ब्लड ग्रुप ए बी, देन ब्लड ग्रुप ओ। यानी कि एबियो सिस्टम को फर्दर हम 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाइड करते हैं एबियो सिस्टम को। एरो डाला हुआ है बेटा एबियो सिस्टम को। एबियो सिस्टम को फर्दर फोर टाइप ब्लड ग्रुप में क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। फर्दर फोर टाइप क्लासिफाइड करते हैं जिसको, एबियो सिस्टम को। आप यहाँ पे देखो मैं इसको मिटा देता हूं बेटा। देखो जैसा ब्लड ग्रुप होता है वैसा एंटीजन होता है, उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। जैसे ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए। ब्लड ग्रुप ए का यहां लिख रहा हूं बेटा एंटीजन, यहां लिख रहा हूं एंटीजन, और यहां लिख रहा हूं एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी ये याद रखना, राइट। यानी कि ब्लड ग्रुप ए पे कौन सा एंटीजन होगा बेटा, ए एंटीजन होगा। कौन सा होगा, ए। ए पे ए एंटीजन होगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा, एंटीबॉडी होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, बी। तो यानी कि इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, बी क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। यहां तक आपको समझ में आया? देन ब्लड ग्रुप जो बी है, ये देखो बेटा ब्लड ग्रुप जो बी है एंटीजन सिमिलर होता है ब्लड ग्रुप के, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। अरे लिखूंगा कि नहीं, बी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। तो बताइए अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, अरे यहाँ पे क्या लिखूंगा। देखो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसका एंटीजन ए होगा और जस्ट अपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अब ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन होगा, तो एंटीबॉडी क्या लिखूंगा बेटा, अपोजिट आती है तो क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, राइट। अब ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंस होता है, बहुत का मीन्स होता है दोनों एंटीजन क्या होता है बेटा, प्रेजेंस होता है। यानी कि यहाँ पर ए एंटीजन भी होगा प्लस बी एंटीजन भी होगा, ए प्लस बी दोनों प्रेजेंट होता है बेटा किसमें, ब्लड ग्रुप ए बी पे। याद रखना ब्लड ग्रुप ए बी पे बहुत एंटीजन प्रेजेंस होता है, ए प्लस बी दोनों प्रेजेंस होता है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, याद रहेगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, ब्लड ग्रुप ए बी वो ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसके अंदर बहुत एंटीजन है, तो क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? देन इसके बाद ब्लड ग्रुप ओ की मैं बात करूं, ब्लड ग्रुप ओ के पास किसी भी टाइप का क्या नहीं होता है बेटा, एंटीजन नहीं होता है, लेकिन बोथ टाइप क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। यानी कि ए एंटीबॉडी भी होगा और बी भी होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसमें बोथ टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंस है, तो क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप ओ। यह बात समझ में आई आपको? अब एक बात याद रखना, नहीं आई समझ में बेटा, ब्लड ग्रुप ए के सिमिलर, उसका एंटीजन जैसा ब्लड ग्रुप होता है उसके सिमिलर एंटीजन होता है, उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ए ब्लड ग्रुप वालों के अंदर
एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगा, और बी ब्लड ग्रुप वालों के अंदर बी सिमिलर आ गया एंटीजन, बी एंटीजन होगा और जस्ट अपोजिट क्या ए क्या होगा बेटा एंटीबॉडी होगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी वाला, ये ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर रहा हूँ, जब ब्लड ग्रुप ए बी है इस ए बी वाले के अंदर बोथ एंटीजन होता है, दोनों होता है, ए बी होगा और बी बी होगा, इसलिए इसमें दोनों एंटीजन होता है। तो बोथ लिख दिया, दोनों लिख दिया, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं होता है, राइट, ए बी नहीं बी बी नहीं, लेकिन इसके अंदर दोनों क्या होता है एंटीबॉडी होता है। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। देखो हमेशा जो डोनर होता है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, जो डोनर होता है डोनर का हमेशा एंटीबॉडी देखा जाता है, डोनर का हमेशा एंटीबॉडी देखा जाता है, और जो रिसिपिएंट होता है, जो रिसिपिएंट होता है रिसिपिएंट का हमेशा एंटीजन देखा जाता है, राइट। और जिनके पास बहुत टाइप ऑफ एंटीजन होता है वो सिर्फ अपने आप को ही ब्लड देता है, बाकी किसी को नहीं देते हैं। इसलिए जिसमें बहुत टाइप एंटीजन एबी में प्रेजेंट है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आई आपको एंटीजन वाली? अरे आई कि नहीं आई? अब हम बताएंगे कि ये किसको देगा और किसको नहीं देगा, ठीक है बेटा? मिटा दूं मैं इनको? बेटा राइट डाउन कर रहे हैं, अगर राइट डाउन करे तो कर दो। इसके बाद एक किसको देगा किसको नहीं देगा, उसके बाद नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आपने नोट कर लिया बेटा? हो गया, एक बार सभी हाँ करो। यस हो गया, जाओ बेटा आपका काम हो गया। हाँ। बेटा कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप को दे सकता है कि और किसे ले सकता है, तो आपको रखना कुछ भी नहीं। देखो इधर जय माता दी बोल के आपको याद रखना है, रखना बिल्कुल भी नहीं है। देखो इधर यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए, अरे लिखा यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए, और इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे ब्लड ग्रुप बी, लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए बी, और यहाँ लिखेंगे ब्लड ग्रुप ओ, राइट। यानी कि जो अपना होता है अपने को तो अपना ही दे सकता है ना, पराया तो दे या ना दे दूर की बात है, लेकिन अपने को अपना देगा। तो ये एरो देखो बेटा, ए ए को तो देगा ही सही, राइट, दे रहा है, ओ ओ को तो देगा ही सही, दे रहा है बेटा, ए बी ए बी को तो देगा ही सही, अरे अपना अपने को देगा तभी तो अपना है, अगर नहीं देता तो अपना कहाँ है, पराया है वो तो, है कि नहीं? क्यों बेटा समझ में नहीं है? देन बी बी को देगा, अपना अपने को देगा, देख ये सब दे रहे हैं बेटा, ए ए को दे रहा है, ओ ओ को दे रहा है, बी बी को दे रहा है, ए बी को दे रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो ब्लड ग्रुप ए है ए को तो दे ही रहा है, लेकिन साथ में ये बेटा देगा किसको, ए बी को, एरो किधर जा रहा है, ए बी की ओर, ये बी अपने को तो दे ही रहा है लेकिन और किसको देगा, ए बी को देगा, राइट। ये ब्लड ग्रुप ओ अपने को तो दे ही रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा बेटा, अपने को दे रहा है लेकिन किसको देगा, ए को भी दे रहा है, और किसको देगा, बी को भी दे रहा है, और किसको देगा बेटा, ए बी को भी दे रहा है। देखो बी की तरफ कितने चार एरो आ रहा है, ए बी देगा, ओ देगा, बी देगा, राइट। इसीलिए इस भाई साहब को यूनिवर्सल भिखारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल भिखारी, ये सभी से लेता है लेकिन किसी को देता नहीं है, इसलिए भिखारी है। इसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल भिखारी, ठीक है। यानी कि ये सभी को देता है, सॉरी सभी से लेता है, देता सिर्फ अपने को है। जो कंजूस टाइप के लोग होते हैं वो है ये ब्लड ग्रुप, लेने के लिए दरिया दिल कर लेगा, हाँ दे दो दे दो दे दो,
और जब देने की बारी आती है तो बिल्कुल क्या हो जाता है, इसको ऑक्सीजन का सेचुरेशन डाउन हो जाता है। किसी को नहीं कहता है कि ना भाई किसी को ना दूं, सिर्फ देगा किसको, एबी को, लेकिन लेगा सबसे। देखो एरो इधर से भी जा रहा है, ओ से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है और खुद से भी ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, राइट। अब इस भाई साहब की देखो ये कितना दरिया दी है, ये बोलता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाला बोलता है मैं स्वाभिमानी हूँ, क्या हूँ बेटा स्वाभिमानी, मैं खुद से ही लूंगा लेकिन दूसरे से लूंगा नहीं, दे दूंगा, इसलिए इसकी तरफ एक ही एरो है, देख लो आप, खुद से ही लेगा बाकी किसी से नहीं लेगा और दे देगा सबको, जिसको चाहिए उसको दे देगा, इसलिए इस भाई साहब को बोलते हैं किंग, क्या बोलेंगे बेटा राजा बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल, हाँ रानी भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे बेटा यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, बेटा ये राजा है सभी को दान कर देता है लेकिन लेता किसी से नहीं है, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर का नाम बताइए, तो क्या लिखेंगे बेटा ब्लड ग्रुप ओ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और ओ नेगेटिव है, मैंने दो ब्लड ग्रुप कर दिया, अब इनमें से बताइए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऑप्शन में ओ नेगेटिव भी आ जाए और पॉजिटिव भी आ जाए, तो आपको आंसर देना है बेटा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव के पास किसी टाइप का एंटीजन नहीं होता है, तो रिएक्शन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ बताया है कि आरएस नेगेटिव वो ब्लड ग्रुप को बोलेंगे जिसके अंदर डी एंटीजन क्या होगा बेटा एब्सेंट, इसके अंदर ऑलरेडी दो एंटीजन तो एब्सेंट है, ये तीसरा एब्सेंट हो गया, नॉर्मली क्वेश्चन ही आएगा कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर का नाम बताइए ओ, लेकिन वहां पर ओ पॉजिटिव और नेगेटिव है तो फाइनली आंसर आपका ओ नेगेटिव जाएगा, और इसी यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप को बेटा हम बोलते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी ब्लड ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको इमरजेंसी ब्लड ग्रुप, यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको तुरंत ब्लड चाहिए नहीं तो उसकी डेथ हो सकती है, तो बिना सोचे समझे हम ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव उसको दे देते हैं, कुछ नहीं होगा उसको क्योंकि इस भाई साहब के पास कोई एंटीजन नहीं है जिसकी बॉडी में रिएक्शन करे। हम COVID-19 की वैक्सीन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें COVID-19 के वायरस है तो हमारी बॉडी में जाएगी, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या करेगी, इम्यूनिटी पावर डेवलप करेगी, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई एंटीजन नहीं है तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट में कोई रिएक्शन नहीं करेगी, समझ रहे हो, ये बात याद रहेगी। एक बार फिर बता रहा हूं कि अगर ब्लड ग्रुप की डायरेक्ट आए कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की है, कार्लिन स्टीनर ने की है, अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन स्पेसिफिक कर दिए कि एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी किसने की है, तभी क्या लिखेंगे कार्लिन स्टीनर, KL स्टीनर लिखेंगे बेटा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये डिस्कवरी हुई कब थी, तो बेटा आप लिखेंगे 1900 पे हुई थी, बेटा कब हुई थी 1900 पे हुई थी। आपसे पूछा जाए कि आरए सिस्टम की डिस्कवरी किसमें किसने की थी, तो तीन बंदर थे अलेक्जेंडर KL स्टीनर और बीनर, इन्होंने एक बंदर, उस बंदर का नाम था रिसर्च मंकी, रिसर्च मंकी की आरबीसी पे क्या किया बेटा एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने पाया कि रिसर्च बंदर की आरबीसी की सरफेस में डी नाम का एंटीजन प्रेजेंस होता है, इस डी नाम का एंटीजन प्रेजेंस होने की स्थिति पे जिन ब्लड ग्रुप में जिन लोगों के पास डी एंटीजन प्रेजेंस होता है उनका ब्लड ग्रुप को आरएस पॉजिटिव कहा जाता है और जिनके अंदर एब्सेंट होता है उनको आरएस नेगेटिव कहा जाता है। तीन क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि रिसर्च आरएस सिस्टम का नाम आरएस सिस्टम क्यों पड़ा, बिकॉज ये रिसर्च मंकी के अंदर डिस्कवर हुआ था इसलिए इसको आरएस सिस्टम दिया है, रिसर्च आरएस यहाँ से आया, और ये कब हुआ तो लिखना बेटा 1940 में, किस किसने किया तो लिखना अलेक्जेंडर और बीनर ने किया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है बेटा, आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लो आपने क्या देखा, उसके बाद नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, Thank you.
कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, रनिंग, संतोष, बेटा संतोष ही नाम है ना उसका, क्या नाम है, संतोष, बेटा इतना संतोष नहीं मत रख, अच्छा संतोष ही नाम की कोई चीज नहीं, संतोष ही, बेटा संत मत करवा, नहीं तो फिर शादी में मैरिज में प्रॉब्लम आ जाएगी, लड़की क्या करती है साथ संत है, बेटा अपना सिस्टम है आरएस एम्बुलेटरी कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, नया सिस्टम नए सिरे से नए पेज में नए नाम से लिखो बेटा, हाँ लिख दो कैपिटल में लिखो वहां पे, कार्डियो वास्कुलर सिस्टम मैं लिख रहा हूं बेटा, लिखो बेटा कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, बेटा सभी ने लिखा कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, देखो बेटा इस सिस्टम का नाम है, नया सिस्टम है कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पर देखो आपको दो नाम दिखाई देंगे, कितने नाम, दो नाम दिखाई देंगे राइट, एक तो कार्डियो दूसरा है क्या वास्कुलर, एक तो क्या है कार्डियो दूसरा क्या है वास्कुलर, मान लीजिएगा ये क्या है कार्डियो राइट, कार्डियो का जो मींस होता है, कार्डियो को बोलते हैं बेटा क्या हार्ट, क्या बोलेंगे कार्डियो का मींस क्या होता है हार्ट, क्या होता है बेटा हार्ट, हार्ट होता है राइट बेटा, हार्ट बोलते हैं हार्ट, वो हार्ट ये होता है हार्ट, या बेटा हिंदी में ऐसे लिखते हैं हार्ट, या हार्ट, हार्ट मींस आपने मुझे दुखी कर दिया वो वाला होता है ये हर्ट, लेकिन आपने हर्ट कर दिया मुझे ठीक, और वास्कुलर बेटा वास्कुलर का मींस होता है वास्कुलर, वास्कुलर का मींस होता है ब्लड वेसल्स, क्या होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी कि हार्ट से, देखो बेटा हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स से मिलकर, ब्लड वेसल्स से मिलकर बना हुआ सिस्टम तो क्या बोलेंगे बेटा कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, क्या बोलेंगे कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, यानी कि ब्लड सॉरी हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना हुआ सिस्टम को क्या बोलेंगे कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, लिख लो बेटा हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना हुआ सिस्टम को क्या बोलेंगे कार्डियो वास्कुलर सिस्टम राइट, देखो इधर अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें, ये क्या है बेटा हार्ट है, ये क्या है हार्ट है राइट, ये सेंट्रल पार्ट है इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, और यहाँ से एक ग्रेटर क्या निकलती आर्टरी निकलती, इस प्रकार से क्या निकलती बेटा ग्रेटर आर्टरी निकलती, इस प्रकार से ब्लड ऑल बॉडी में क्या होता है ट्रेवल होता है राइट, और एक इधर से निकलती है कहाँ से इस प्रकार से, एक जाती बेटा इस तरफ देख रहे हो यहाँ से निकलती है ये वाली, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बेटा पल्मोनरी
ठीक, यह राइट वाली होती है और ये अभी बनाना कुछ नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, मैं बनवा दूंगा, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। अभी सिर्फ ऊपर का लिखना है, डायग्राम कुछ नहीं बनाना, मैं बता दूंगा। देखो इधर ये क्या बेटा, आर्टरी, ये क्या सेंटर, यानी कि कार्डियो वास्कुलर सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट बोलते हैं। और हार्ट से जो दूर जो देखो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स जा रही है, इनको बोलते हैं बेटा वास्कुलर, यानी कि सेंट्रल पार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हार्ट होता है, और जो पेरिफेरी पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, ब्लड वेजल्स होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया, थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार से समझा देता हूँ, फिर आगे पूरा खोलेंगे, चिंता मत करो। लेकिन जहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नंबर वन, कार्डियो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, सीवी सिस्टम, सीवी सिस्टम मीन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेंट्रल, सेंट्रल मीन्स सेंट्रल पार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट क्या होता है बेटा, हार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट क्या होता है बेटा, हार्ट होता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब परिधि की ओर, पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स होता है, ब्लड वेजल्स होता है, क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो सेंट्रल पार्ट क्या होगा बेटा, हार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट क्या होता है, हार्ट होता है, और जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्लड वेजल्स होता है। मान लीजिएगा ये पूरा जो प्लांट दिखाई दे रहा है आपको, ये गोला गोला दिखाई दे रहा है, राइट, दे रहा है कि नहीं दे रहा, यानी कि इस गोले पे गोला, गोले पे गोला, राइट, ये जो बीच का सेंट्रल पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, हार्ट बोलेंगे, ये सेंट्रल पार्ट को क्या बोलेंगे, हार्ट। जो केंद्र पॉइंट होता है, जो केंद्र पॉइंट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो हार्ट है, और जो इस परिधि की ओर है, इस परिधि की ओर है बेटा क्या, ब्लड वेजल्स, ये परिधि है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लड, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स, समझ में आ गया। जो सेंट्रल पॉइंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो क्या है, हार्ट है, और हार्ट के जो चारों ओर है पेरिफेरल पार्ट है वो है ब्लड वेजल्स। अनिल गाड़गांव साहब बोल रहे हैं, इधर की तरफ नहीं आया समझ में, बाकी हम वो ब्लड वेजल्स होता है। अब आपका तीसरा पॉइंट ये है कि फादर ऑफ, तीसरा पॉइंट याद रखना बेटा, तीसरा पॉइंट है फादर ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का फादर, फादर ऑफ कार्डियोलॉजी या फादर ऑफ सीवी सिस्टम भी लिख सकते हो, फादर ऑफ कार्डियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कार्डियोलॉजी के पिताजी कौन है, रानी कौन है, कार्डियोलॉजी के बेटा पिताजी है विलियम हार्वे, विलियम हार्वे फादर ऑफ कार्डियोलॉजी, याद रखना बेटा, फादर ऑफ कार्डियोलॉजी कौन है, विलियम, विलियम हार्वे, डब्ल्यू आई डबल एल आई ए एम, विलियम हार्वे फादर ऑफ कार्डियोलॉजी। राइट, फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा बेटा फादर, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न ऐसे लिखते हो बेटा, ए
एस ओ बी फादर ऑफ मॉडर्न नहीं है क्या एमओ मॉडर्न मॉडर्न हाँ मॉडर्न ये आएगा पढ़ने वाले से बेटा फादर ऑफ मॉडर्न यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न कार्डियोलॉजी के फादर का नाम क्या है, समझ रहे हो, आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि फादर ऑफ कार्डियोलॉजी क्या लिखेंगे बेटा, विलियम हार्वे। आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी, मॉडर्न कार्डियोलॉजी का फादर होता है बेटा थॉमस लेविस। थॉमस लेविस कौन है बेटा? थॉमस लेविस। याद रखना इन दोनों बंदरों को, आपको दो नंबर दिला दिए, ठीक है बेटा। फादर ऑफ कार्डियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी कौन है बेटा? थॉमस लेविस। कौन है बेटा? थॉमस लेविस। यहां तक आपको समझ में आया? सिक्स पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट यानी कि आर्टरी। आर्टरी हमेशा हमेशा आर्टरी हमेशा हमेशा ऑटो रिच, ऑटो रिच जानते हो बेटा? ऑटो रिच यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड लिखो। आर्टरी हमेशा हमेशा ऑटो रिच, ऑटो रिच मीन्स ऑटो रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है। आर्टरी हमेशा हमेशा ऑटो रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ये पार्ट दिखाई दे रहा है सभी को? और इधर देखो बेटा, आर्टरी हमेशा हमेशा ऑटो रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है। नंबर वन, सिक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट लिख रहा हूं। आर्टरी आर्टरी हमेशा हमेशा आर्टरी हमेशा हमेशा ब्लड को आर्टरी हमेशा हमेशा ब्लड को हार्ट से ब्लड को हार्ट से दूर, दूर मीन्स अवे फ्रॉम, दूर मीन्स अवे फ्रॉम, दूर मीन्स अवे फ्रॉम ले जाने का काम करती है, ले जाने का काम करती है। आगे समझ में? आर्टरी हमेशा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है और आर्टरी हमेशा हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। हार्ट से मीन्स ये हार्ट की ओर नहीं लाती लेकिन हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है, राइट। और वेन यहां लिख रहा हूं बेटा, सेवन पॉइंट देखो। वेन हमेशा हमेशा ब्लड को हमेशा हमेशा ब्लड को
हार्ट की, लड़को हार्ट की और, लड़को हार्ट की और, हार्ट की और ले जाने, ले जाने का काम करती है, ले जाने का काम करती है। वेन तो हार्ट की ओर ले जाने का काम करती है, लेकिन आर्टरी हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। ठीक है, एट पॉइंट, एट पॉइंट वो लिख रहा हूं बेटा, यानी कि वेन हमेशा, वेन हमें हमेशा हमेशा CO2 rich या फिर deoxygenated ब्लड को कैरी करने का काम करती है, कैरी करने का काम करती है, यानी कि वेन हमेशा हमेशा CO2 रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है। और यहां लिख रहा हूं बेटा एक्सेप्ट, यहां लिख रहा हूं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स एक को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स अलावा, कौन से बेटा, पल्मोनरी, लिख रहा हूं बेटा कौन सी, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, यानी कि सारी वेन CO2 रिच ब्लड को क्या करते बेटा, कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन को छोड़ के, पल्मोनरी वेन क्या करती बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ आर्टरी हमेशा हमेशा, देखो बेटा आर्टरी हमेशा हमेशा CO2 रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा एक्सेप्ट, यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेप्ट पल्मोनरी, एक्सेप्ट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी किसको, कौन सा ब्लड को कैरी करती है, CO2 रिच ब्लड को कैरी करती है, कैरी करती है, किसको करती है बेटा, CO2 रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है। और बेटा ये जो पल्मोनरी वेन है, ये कौन से ब्लड को कैरी करती है बेटा, ऑटो रिच, क्या आ रहे बेटा, ऑटो रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है। बेटा ये याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि मैंने निचोड़ दिया है, जितना सारा बेसिक था वो सारा इस चैप्टर का पूरा बेसिक यहाँ पे लिख लिया है, दो चार स्लाइडली कॉन्टेंट अभी बता दूंगा। अभी शिफ्ट चेंज हो गई है, मॉर्निंग से 8 बजे से, ठीक है मॉर्निंग ही रखो, कहाँ रहते हैं, श्रीनगर बानपुर और सोलामार के बीच में, आप तो लोकल हो ना, आउट ऑफ भोपाल दोनों, अच्छा आउट ऑफ भोपाल बेटा, ये 10 पॉइंट, ये जो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट को पानी के गिलास की तरह निगल लो, अगर कोई आपसे नींद में भी पूछे तो ये 8 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। पहला पॉइंट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है,
हार्ट और ब्लड वेजल से मिलकर बना हुआ सिस्टम को कार्डियो वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, राइट। हार्ट प्लस ब्लड वेजल से मिलकर बना हुआ सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्डियो वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, राइट। कार्डियो वास्कुलर सिस्टम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम हार्ट कहते हैं, राइट। सेंट्रल पार्ट को क्या कहेंगे बेटा, हार्ट कहते हैं। और जो सीवी सिस्टम का जो पेरिफेरल, पेरिफेरल का मीन्स होता है परिधि की ओर, सेंट्रल से चारों ओर की ओर। जैसे मान लीजिएगा यह सेंट्रल पॉइंट है और इसके चारों ओर पॉइंट ये है, ये तो क्या है बेटा, हार्ट है। और ये वाला कौन है बेटा, ब्लड वेजल्स है। कौन सा है, ब्लड वेजल्स। यानी कि पेरिफेरल पार्ट क्या है, ब्लड वेजल्स। पेरिफेरल पार्ट क्या होता है बेटा, ब्लड वेजल्स होता है। और सेंट्रल पार्ट क्या होता है बेटा, हार्ट होता है, राइट। दूसरा, फादर ऑफ कार्डियोलॉजी, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पिताजी कौन है कार्डियोलॉजी के, जैसे आपके पिताजी एक ही है, हमारे भी एक है, इसके पिताजी क्या है बेटा, एक है। लेकिन यहाँ पे नया और पुराना हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ कार्डियोलॉजी, तो क्या लिखेंगे बेटा, विलियम हार्वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ कार्डियोलॉजी। सबकी एक साथ आवाज आनी चाहिए, क्या बोलेंगे बेटा, विलियम हार्वे, फादर ऑफ कार्डियोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा, विलियम हार्वे। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी, अगर मॉडर्न कार्डियोलॉजी के पिताजी की बात की जाए, तो क्या लिखेंगे, थॉमस लेविस। थॉमस लेविस, आर्टरी हमेशा हमेशा ऑटो रिच ब्लड को कैरी का, कैरी का मीन्स होता है बेटा ट्रांसपोर्ट, आदान प्रदान करना, ट्रांसपोर्ट। कैरी का मीन्स होता है क्या, ट्रांसपोर्ट। यानी कि आर्टरी हमेशा हमेशा ऑटो रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, याद रखो, एक्सेप्ट मीन्स एक को छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी सी ऑटो रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है। आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। वह कौन सी, क्वेश्चन बन आ सकता है, वह कौन सी ब्लड वेजल्स हैं जो से ब्लड को अवे फ्रॉम कैरी करने का काम करती है, तो क्या लिखेंगे, आर्टरी। आर्टरी हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है, वह पल्मोनरी आर्टरी को एक्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे। और वेन हमेशा ब्लड को हार्ट की ओर, हार्ट के अंदर डालने का काम करती है। वेन हमेशा हमेशा ऑटो रिच, वेन हमेशा हमेशा ऑटो रिच, सॉरी, वेन हमेशा हमेशा CO2 रिच यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में नहीं बेटा, क्या, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑटो रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत वो सर नहीं, चलो मिटा दूं मैं इन 8 पॉइंट को, यस सर, 8 पॉइंट याद हो गए। चलो रिवाइज करके बताओ मुझे, कार्डियक सिस्टम का सेंट्रल पार्ट को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्लड वेजल्स, फादर ऑफ कार्डियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी, थॉमस लेविस, थॉमस लेविस याद रहेगा। हार्ट से दूर ले जाने वाली ब्लड वेजल्स को क्या कहा जाता है, आर्टरी। और हार्ट की ओर, हार्ट की ओर ब्लड वेजल्स, हार्ट की ओर ब्लड लाने वाली वेजल्स को क्या कहा जाता है, वेन, क्या बोलेंगे, वेन्स। वह कौन सी वेन है जो ऑटो रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है,
पल्मोनरी वेन वह कौन सी आर्टरी है जो CO2 रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती है। तो क्या लिखेंगे बेटा, और वह कौन सी आर्टरी है जो CO2 रिच ब्लड को कैरी करने का, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। आ बेटा आगे आ जाओ, कार्डियो वास्कुलर सिस्टम अपना था ये, आठ पॉइंट याद रहे आपको, अरे रहे कि नहीं, इसके बाद आओ बेटा मेजरमेंट, यानी कि आप आगे आ जाओ मेजरमेंट हार्ट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ बेटा क्या, कार्डियक, फर्स्ट पॉइंट क्या ले रहा हूँ, कार्डी कार्डियक, कार्डियक को बोलते हैं बेटा क्या, हार्ट, क्या बोलेंगे कार्डियक को, हार्ट, राइट, कार्डियक को क्या बोलेंगे, हार्ट। और दूसरा क्या था, ब्लड वेसल्स था, तो पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं, राइट, यह पॉइंट क्या बोलता है, देख ले इसको, देखो इधर कार्डियक को क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट बोलते हैं, राइट, देखो यहां लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट कार्डियक हार्ट इज ए होलो, होलो मीन्स खोखला, होलो मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट क्या है बेटा, हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट क्या है बेटा, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन, राइट, और इसके किसके लिए बेटा रेस्पॉन्सिबल होता है, ये बेटा रेस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग एक्शन के लिए, सेकेंड ऑप्शन हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग, फॉर पंपिंग एक्शन, पंपिंग एक्शन के लिए क्या होता है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन, यानी कि ब्लड को पंप करने का काम करता है, राइट, हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शंस, राइट, पंपिंग एक्शन का मीन्स ब्लड को पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, समझ रहे हो आप, किसके लिए, ब्लड को पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ लोकेशन, लोकेशन यानी कि लोकेशन कहाँ, क्या लिखोगे बेटा लोकेशन में, लोकेशन पता कहाँ पे सिचुएटेड होता है बेटा, हार्ट सिचुएटेड होता है, लिख रहा हूं मैं, हार्ट सिचुएटेड, हार्ट लोकेटेड, लोकेटेड, ठीक है, हार्ट लोकेटेड बिहाइंड द मीडिया स्टर्नम, हार्ट लोकेटेड बिहाइंड द मीडिया स्टर्नम, बिटवीन लंग्स, हार्ट लोकेटेड होता है बेटा
बिहाइंड द मीडिया स्टर्नम बिटवीन लंग्स, देखो इधर, यानी कि ये क्या है बेटा, ये जो देख रहे हो ये ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसके नीचे बिहाइंड मींस पीछे की साइड, नीचे की साइड बिहाइंड, नीचे की साइड होता है बिटवीन द लंग्स। देखो इधर, अगर ये क्या है बेटा ट्रेकिया, और ये क्या है बेटा लंग्स, इस प्रकार से लंग्स होते हैं राइट। लंग्स यानी कि इसमें दो तीन लोग होते हैं राइट में, और इसमें कितने, इस प्रकार से बेटा डिप्रेशन होते हैं। ये जो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक नोच। क्या बोलेंगे, कार्डियक नोच। इस कार्डियक नोच पर ये दिखाई दे रही बेटा क्या, कार्डियक नोच, इसको बोलते हैं बेटा कार्डियक नोच, अच्छे से लिख दूं ठीक है। ये क्या है, कार्डियक नोच। इस कार्डियक नोच पे हार्ट क्या होता है बेटा, सिचुएटेड होता है राइट। और इसके ऊपर जो स्टर्नम आ ही जाता है, कौन आता है बेटा स्टर्नम, और ट्रेकिया इस प्रकार से चला जाता है अंदर राइट। अरे ऐसे ही तो जाता है ट्रेकिया, इधर चला जाता है ट्रेकिया, जाता है कि नहीं जाता राइट। और ये जो ब्रेस्ट बोन होती है, ब्रेस्ट बोन यहाँ आती है, यानी कि बिहाइंड द मीडिया स्टर्नम और बिटवीन द लंग्स ठीक है। और लेफ्ट लंग्स में एक डिप्रेशन लाइक क्या होती है बेटा, एक कैविटी होती है, क्या होती है डिप्रेशन लाइक कैविटी होती है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक नोच। इस कार्डियक नोच पर क्या होता है बेटा, सिचुएटेड होता है हार्ट। बना लो अगर आप इसे बनाना चाहते हो, ये बेटा क्या होता है राइट लंग्स, ये क्या है लेफ्ट लंग ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ट्रेकिया राइट। और ये क्या है बेटा, हार्ट। यह हार्ट बनाया और एक लंग्स, आप बना क्या रहे हो, लंग्स बना रहे हो या हार्ट बना रहे हो? बेटा बनते मुझे आप आवाज देंगे, क्या देंगे, मेरे फ्यूचर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ बेटा, तुम आगे बढ़े कविता श्रद्धा शारदा एंड मयूरी, बेटा बना लियो जल्दी करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया में मुझे आवाज देना,
बन गया बेटा, राइटिंग बहुत अच्छी है। बन गया बेटा, लिखा है चार पांच लाइन, आगे बढ़े। यस सर। बेटा एक बार सभी हाँ जवाब दो, लिख लिया, मिटा दूं, आगे बढ़े। यस सर। चलो बेटा अगला पॉइंट, यानी कि कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट बेटा? फोर्थ पॉइंट। ठीक, इधर लिखा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे बेटा मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी कि हार्ट की लेंथ कितनी होती है, ब्रिथ कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, राइट? तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 7 इंटू बेटा 6 सेंटीमीटर, राइट? यानी कि 12 लिखना, फिर 3 माइनस करना, ठीक है? 12 लिखा, 12 में 3 माइनस किया तो कितना बचा? 9, 9 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा? 6। यानी कि हार्ट की 12 सेंटीमीटर क्या होती बेटा? लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर, क्या होती है? विड्थ होती है, और 6 सेंटीमीटर यानी कि क्या होती है? थिकनेस होती है, राइट? कंफ्यूजन नहीं होंगे? 12 सेंटीमीटर क्या होती है बेटा? लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 6 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 12 इंटू 9 इंटू 6। 12 लिखना, 3 माइनस करना, राइट? इसके बाद मेजरमेंट हो गया। इसके बाद बेटा आगे लिखना है वेट, यानी कि हार्ट का कितना वेट होता है, वेट का वेट लिखेंगे बेटा। अगर आप वेट लिखते हो, क्या लिखना है बेटा? वेट। अगर आप वेट लिखते हो तो देखो, अब वेट कैसे लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा इन फीमेल, इन फीमेल एंड इन मेल, मेल एंड फीमेल, राइट? वेट। अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर कितना हार्ट का वजन होता है, फीमेल के अंदर बेटा दिल होता है कितने ग्राम का? 250 ग्राम। कितना होता है बेटा? 250 ग्राम का होता है। फीमेल के अंदर कितने ग्राम का होता है? 250 ग्राम का होता है, और मेल के अंदर बेटा 300 ग्राम का होता है। देखो, दिल मेल का बड़ा होता है और फीमेल का छोटा होता है, फिर भी दिल के दौरे मेल को ज्यादा आते हैं, फीमेल को कम आते हैं। यानी कि अगर मैक्सिमम आप हिस्ट्री देखोगे, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर मेल को कॉमन है, फीमेल को नहीं है। बड़ा है फिर भी फेल होता है। हाँ बेटा, मेल का क्या होता है कि बाहर की ओर है सारा सब कुछ, फीमेल की इनसाइड है, और फीमेल की इनसाइड ओपनिंग में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आपसे डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो बताना मेरा धर्म बनता है। यानी कि बच्ची बोलती है यूटीआई मोस्ट कॉमन फीमेल में होता है, यूटीआई, ऐसा क्यों सर? बेटा ये वो नहीं है, वह नगर निगम वाला, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन, क्योंकि फीमेल का जो वेजाइना होता है, वेजाइना, इस वेजाइना में नॉर्मल फ्लोरा के रूप में
माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है ई कोलाई, राइट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई नाउन इज ई कोलाई। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन का मोस्ट कॉमन, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट का नाम बताइए, तो क्या लिखेंगे? ई कोलाई। आंख बंद करके लिख देना, जैसे मैं बताइए आपको स्टेशन पे यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। पॉजिटिव एजेंट का मीन्स होता है किसके कारण ऐसी कंडीशन आई है, तो ई कोलाई। आंख बंद करके लिख देना, ई कोलाई यूटीआई का कारण होता है, राइट। आ जाओ अपने पास बेटा। मेल का जो हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम होता है, और फीमेल का कितना होता है? 250 ग्राम। फिर भी हार्ट फेल मेल को ज्यादा होता है और फीमेल को कम होता है, क्यों? बिकॉज लाइफ स्टाइल, बिकॉज नेक्सर एक्सरसाइज। क्योंकि मेल की जो लाइफ स्टाइल होती है ना, बिल्कुल बेकार होती है फीमेल, यानी कि दिन भर की 3-4 पैकेट तो मतलब सिगरेट का पी लेगा, राइट। और एक को गाना था 4 बोतल रोज की, हाँ बोट का, यानी कि 4 बोतल बोट का, ठीक है, 4 बोतल एल्कोहल पी रहा है, तो हार्ट तो फेल होगा ही। मेन लाइफ स्टाइल, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजर्व करती अपने ऑर्गन कैसे है। अगर आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं, जो आलिशान बड़े बड़े मंजिलों पे बंगले पे रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर बीमारी जल्दी आती है, क्योंकि वो खाते क्या है? बर्गर, डोसा, इडली, चाउमीन, और ये बैलेंस डाइट नहीं है। पिज्जा बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट होते बेटा कि आपको बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग सारे कंटेंट मिल रहे हैं कि नहीं। आपने देखा होगा कि जो लोग रोड में काम करते हैं, या जो लोग रोड की बहुत कम बीमार पड़ते हैं, या फिर जो लोग जंगल में रहते हैं, आपने कभी जो बिल्कुल महात्मा परमात्मा जो होते हैं, जो उनको देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, वो बहुत कम एडमिट मिलते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि वो अपना खान पीन अपना सारा क्या लेते हैं बेटा? प्योर लेते हैं। ऑक्सीजन भी क्या लेंगे? प्योर लेंगे, और यहाँ तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। हाँ बेटा, क्योंकि हमेशा डाइट पूरी लो, क्योंकि जिंदगी के लिए जरूरी है। और खाना कैसा होना चाहिए? बैलेंस डाइट में होना चाहिए, हेल्दी खाना होना चाहिए। जितना प्रोटीन पर डे रिक्वायरमेंट है लेना है, जितना फैट पर डे रिक्वायरमेंट है लेना है। लेकिन लड़की के बेटा दिक्कत सबसे ज्यादा कब होती है? लड़की नहीं, फीमेल, फीमेल को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आफ्टर मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज के बाद सारे सिस्टम रिवर्स हो जाते हैं। आपने कभी, जब आप नई नई दुल्हन बन के जाओगे अपने ससुराल, जब आपकी जो सासू माँ, सासू माँ बोलते हैं, आपकी जो सासू माँ है, वो इनिशियली डे में तो आपको बहुत खुश रखेगी, मेरी बेटी, मेरी बहू को राजकुमारी बन के रखूंगा, बना के रखूंगी, यानी कि ये बोलेगी सारी किस्में पूरी कर दूंगी। जैसे मेनोपॉज आता है, उसके बाद उसका विकराल रूप नजर आता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव केयरिंग हॉर्मोन थे, जो केयर करने वाले हॉर्मोन थे, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये क्या हो जाता है बेटा? ड्रॉप। जब ये दो कम होंगे तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ऊपर। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा? चिड़चिड़ापन लाता है। आप रोटी भी टाइम पे नहीं दोगे, 2 मिनट भी लेट होगे तो आपकी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे, मुझे खाना नहीं देते हैं, सब्जी में नमक कम डालती है। बेटा वो नहीं बोल रहे, उसके हॉर्मोन्स बुला रहे हैं, तो इसलिए गुस्सा ना करें। आप नर्सिंग के हैं तो इस पर गुस्सा ना करें, कोई बात नहीं, वो नहीं बोल रहे बेटा, उनके हॉर्मोन्स बुला रहे हैं। आप पहले बताया था कि दो लड़का लड़के एक दूसरे पर फिदा होते हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते हैं, इनसे भी मतलब यानी कि केमिस्ट्री होती है हॉर्मोन्स की। तीन हॉर्मोन परफेक्टली तरीके से बेटा इस प्रकार से बॉन्डिंग हो जाते हैं कि उनके बिना वो जीने की कल्प क्या बोलते हैं इमेजिंग भी नहीं कर सकते हैं। इतना वही होते हैं। एक तो बेटा इसकी वो होती है क्या बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेप, जैसे आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलो सबका उतना अट्रैक्शन ही होता है, लेकिन उसी बंदे से 1 महीने तक मिलते रहो, टीचर हो गया, पेरेंट हो गया, अपने रिलेटिव हो गया, या मकान मालिक हो गया, 1 महीने में इतनी फट जाती है, और जब खाली करके जाते हैं तो दोनों इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं, पता ही नहीं होता, क्योंकि अपने हॉर्मोन्स
इजीली एक्सेप्ट करते नहीं है, जब एक्सेप्ट करते तो इजीली वो ब्रेक भी नहीं होता है। अभी अपने पुराने मकान मालिक हो, आंटी आंटी अंकल, उनको कॉल करते होंगे आंटी कैसी है, क्योंकि वो हॉर्मोन्स याद दिलाते रहते हैं कि हाँ यार भोपाल पे रहे थे, वहां पे रहे थे। हमारी सारी बॉडी डिपेंड है बेटा किसके ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के ऊपर। इसलिए अपने न्यूरो ट्रांसमीटर को क्या रखो, खुश रखो। और खुश कब होंगे, जब आप खुश होंगे। एक मोबाइल लो, मोबाइल तो सबके पास है आजकल, मोबाइल में आपका खिलता हुआ चेहरा का वॉलपेपर लगा लो, खिलते हुए चेहरे का क्या लगा लो, वॉलपेपर। जैसे मोबाइल की स्क्रीन देखो आपका खिलता हुआ चेहरा नजर आना चाहिए, आपको लगेगा अरे यार मेरी स्माइल अच्छी है, तो आपके डिप्रेशन वाले एपिसोड ओवर क्या हो जाएंगे बेटा, ओवरकम हो जाएंगे, डिप्रेशन आएगा ही नहीं। अगर आने लगे तो कमरे को बंद कर दो और डांस करने लग जाओ अकेले गाने चला के। इससे क्या होता है कि एक्टिविटी से डिप्रेशन नहीं आता बेटा, ये बात आपको समझ में आया। तीसरा, अगर आपसे पूछा जाए, हाँ कौन सा पॉइंट, फिफ्थ, अगर फिफ्थ पॉइंट आपसे पूछा जाए, कौन सा बेटा, फिफ्थ, अगर फिफ्थ पॉइंट आपसे पूछा जाए कि हार्ट की शेप कैसी होती है, राइट, हार्ट की शेप कैसी होती बेटा, लिखना या तो लिखना कॉन्सेप्ट कैसा होता है, कॉन्सेप्ट, या फिर लिखना क्लोज्ड फिस्ट, क्लोज फिस्ट, फिस्ट मीन्स क्लोज फिक्स, फिस्ट मीन्स बंद मुट्ठी के आकार का, क्लोज फिस्ट से होता है बेटा। कॉन्सेप्ट लिख दो या फिर क्या लिख दो, क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, राइट बेटा, यहाँ समझ में आया, कॉन्सेप्ट या फिर क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी के आकार का होता है बेटा, बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार का। कैसा होता है बेटा, बंद मुट्ठी के आकार का बेटा, ये याद रहेगा। देखो हार्ट के अंदर है, हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट क्या होता है बेटा, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शंस, लोकेट हार्ट लोकेटेड बिहाइंड द मीडिया स्टर्नम बिटवीन द लंग्स, देन मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 9 सेंटीमीटर विड्थ होता है, 6 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। अगर फीमेल के अंदर हार्ट के वजन की बात करें तो कितना होगा बेटा, 250-250 ग्राम, मेल के अंदर कितना होगा, 300 ग्राम। हार्ट की सेप कैसी होगी बेटा, कॉन्सेप्ट या क्लोज फिस्ट सेप होगी, राइट। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दू बेटा, आप लिख रहे हो बेटा, लिख लिया सर, मिटा दू, लिख लिया, मिटा दू, ठीक है, यस सर। अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग हार्ट के अंदर कौन सा पॉइंट है बेटा, सिक्स, यानी कि सेवन पॉइंट डालो, लेयर ऑफ द हार्ट, फिफ्थ लिखो भी सिक्स लिखा, फिफ्थ लिखा, सिक्स पॉइंट डालो बेटा, लेयर ऑफ द हार्ट, बेटा सिक्स पॉइंट, फिफ्थ उधर लिख दिया था, सिक्स पॉइंट में लिखना है आपको लेयर ऑफ द हार्ट, लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट की लेयर के बारे में देखेंगे बेटा, लेयर ऑफ द हार्ट, लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है बेटा। ठीक है, डेस्क लगा के यहाँ पे इसमें लिखो बेटा, नंबर वन पॉइंट लिखो, राइट, यानी कि हार्ट, हार्ट कंसिस्ट
कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, आठ बेटा तीन लेयर से मिलकर बना होता है, थ्री लेयर्स डैश लगा के लिखो इसके सामने। और थ्री लेयर्स क्या होती है बेटा, देखो थ्री लेयर्स कौन सी होती है, प्रेम, कौन सी होती है, प्रेम, ठीक है, प्रेम रतन धन पायो याद रहेगा, कौन, प्रेम बेटा, कौन कितनी लेयर होती है, थ्री लेयर्स, प्रेम, प्रेम याद रहेगा, या तो प्रेम लिख लो या फिर याद करने के लिए क्या लिख लो बेटा, मैप लिख लो, या तो मैप लिख लो या फिर पेन लिख लो। आठ में तीन लेयर होती क्या होती बेटा, पेन या फिर मैप, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, नंबर वन पेरिकार्डियम, नंबर वन पेरिकार्डियम, राइट, देखो इधर, यानी कि अगर हम बात करें ये क्या है बेटा, हार्ट है, दिखाई दे रहा है सभी को, सबको दिखाई दे रहा है, ये क्या yes, हार्ट है, ये ग्रेटर आर्टरी जिसको बोलते हैं क्या, एरोटा, क्या बोलेंगे इसको, एवोटा बेटा, ए ओ आर टी ए, एवोटा बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि सबसे आउटर, ये देख रहे हो बेटा, ये सबसे जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को देखो, तीन लेयर में लिख रहा हूं यहाँ पे, तीन लेयर बना देता हूं, कितने लेयर, थ्री लेयर, ए थ्री लेयर, ठीक है मेरे फ्यूचर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम, जो मिडल लेयर होती है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, राइट, जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, कितनी लेयर होती है, थ्री लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, याद रहेगा, इधर देखो ये तीन लेयर समझ में आई, अब यहाँ पर आ जाओ पेरिकार्डियम पे आ जाओ बेटा, इसमें आ जाओ पेरिकार्डियम, यानी कि पेरिकार्डियम, अगर हम पेरिकार्डियम देखो, पेरी का मीन्स होता है बेटा, पेरी, पेरी का मीन्स होता है पेरी प्लस कार्डियम, यानी कि लिख रहा हूं पेरी प्लस कार्डियम, पेरी प्लस कार्डियम, पेरी का मीन्स होता है बेटा आउटर, आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, आउटर लेयर, और कार्डियम का मीन्स होता है बेटा हार्ट, हार्ट की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या बेटा, पेरिकार्डियम, हार्ट की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम, यहाँ पे लिखे हो बी, यानी कि ये पेरिकार्डियम की बात है, ठीक है, पेरिकार्डियम के अंदर पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा, यानी कि ये लिखिए बेटा पेरिकार्डियम इज ए आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द, लेयर ऑफ द हार्ट, जो पेरिकार्डियम होती है ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी हार्ट की, पेरिकार्डियम इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट की क्या होती है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, याद रहेगा, यानी सेकंड पॉइंट में इसी के अंदर लिख रहा हूं पेरी, अरमान जी समझ में आ रहा है, पेरिकार्डियम, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ लेयर, यानी कि पेरिकार्डियम भी दो टाइप के लेयर से मिलकर बनी होती है, यानी कि फर्दर पेरिकार्डियम
फिर फर्दर दो लेयर से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा नंबर वन, नंबर वन लिख रहा हूँ फाइबर्स, नंबर वन में लिख रहा हूँ बेटा फाइबर्स पेरिकार्डियम, फाइबर्स पेरिकार्डियम। नंबर सेकंड में लिख रहा हूँ सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। जो सीरस पेरिकार्डियम है ये फर्दर दो ब्रांच में या दो लेयर में डिवाइड होती है, ठीक है। सीरस जो पेरिकार्डियम है ये फर्दर बेटा कितनी दो लेयर पे डिवाइड होती है, राइट। कितने लेयर पे दो लेयर, एक को बोलेंगे बेटा पेराइटल, पेराइटल पेरिकार्डियल, क्या बोलेंगे पेराइटल पेरिकार्डियल लेयर, पेराइटल पेरिकार्डियल लेयर, राइट। और दूसरी होती है बेटा विसरल, विसरल पेरिकार्डियल लेयर, या तो लेयर बोल दो या फिर क्या बोल दो मेम्ब्रेन बोल दो, क्या बोल दो मेम्ब्रेन बोल दो, या हाँ सीरस पेरिकार्डियम। फिर दो टाइप्स देखो इधर, हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, मैंने आपको यहाँ पे A1 डाला के लिखा है बेटा, A में क्या होती है पेरिकार्डियम, B पे क्या होती है मायोकार्डियम, C पे क्या होती है एंडोकार्डियम। यानी कि यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा जो पेरिकार्डियम, यहाँ लिख दो बेटा जो पेरिकार्डियम है ये आउटर, आउटर क्या होती है बेटा लेयर होती है, और जो मायोकार्डियम होती है ये मिडल लेयर होती है, राइट। और जो एंडोकार्डियम होती है ये इनर लेयर होती है। आप समझने के लिए यहाँ पर लिख लो, आगे आपने यानी कि पेरिकार्डियम, पेरिका मीन्स आउटर, कार्डियम मीन्स हार्ट, हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उस आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं बेटा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है वह फिर दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक होता है बेटा क्या फाइबर्स, दूसरा होता है क्या सीरस, एक होता है क्या फाइबर्स और दूसरा होता है बेटा सीरस, फाइबर्स और सीरस। देखो इधर आ जाओ, इधर मैं आपको यहां से बता देता हूं, ये बेटा लेयर है हार्ट की, राइट। मैंने यहां से ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट मैंने कट ऑफ सेक्शन कर, ये वाला जो पार्ट है ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने जूम करके यहाँ पे ले लिया, राइट, जूम करके यहाँ पे ले लिया। इधर देखो यानी कि जो ये लेयर दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे पेरिकार्डियम लेयर, ये वाली कौन सी लेयर है बेटा पेरिकार्डियम लेयर, राइट। और एक लेयर बेटा यहाँ पर है इस प्रकार से, राइट, इस वाली जो बीच को क्या बोलेंगे मायोकार्डियम लेयर, क्या बोलेंगे बेटा मायोकार्डियम लेयर, ये कौन सी बेटा पेरिकार्डियम लेयर। और जो ये इनर वाली है ये देखो बेटा, इसको बोलेंगे मायोकार्डियम, इसको बोलेंगे क्या पेरिकार्डियम, और इसको बोलेंगे बेटा एंडोकार्डियम, क्या बोलेंगे एंडोकार्डियम लेयर, एंडोकार्डियम लेयर बोलेंगे, राइट। इधर देखो यानी कि जो पेरिकार्डियल लेयर होती है ये दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक तो क्या होती है बेटा फाइबर्स लेयर होती है, ये देखो ये क्या है फाइबर्स लेयर दिखाई दे रही है आपको बेटा, ये फाइबर्स है इसके बनी होती है बेटा फाइबर्स की बनी होती है, ये फाइबर्स लेयर है, राइट। कौन से लेयर है फाइबर्स लेयर, पेरिकार्डियम की कौन से लेयर है बेटा फाइबर्स लेयर। तो मैं इसको यहां लिख दूं, इस प्रकार एरो डाल के लिख दो बेटा, इसको बोलेंगे बेटा फाइबर्स पेरिकार्डियम लेयर, फाइबर्स पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम के अंदर ही आ रही है, राइट। और दूसरी होती है बेटा विसरल, यहां देखो दो सॉरी सीरस, फाइबर्स और सीरस,
और ये जो नीचे वाली वो होती है बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ये वाली, अरे आ जाएगा समझ में, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा सीरस, ये कौन सी होती है, सीरस लेयर, या फिर सीरस पेरिकार्डियम लिख दूंगा अच्छा लगेगा, सीरस पेरिकार्डियम लेयर, राइट, सीरस पेरिकार्डियम लेयर, बेटा दिखाई दे रहा है, यस सर, सीरस पेरिकार्डियम लेयर, देन इसके बाद ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट, एक तो इधर ये वाला, एक तो ये वाली और एक ये वाली, राइट, दो हो गया, एक तो ये वाली होती है बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाले लिए, और एक ये वाले लिए, राइट, सीरियस पेरिकार्डियम लिखा आपने, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं बेटा, देखो इधर, इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा पेराइटल, क्या बोलेंगे, पेराइटल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, या फिर लेयर बोलते हैं बेटा विसरल, क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, राइट, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीरस, क्या बोलते हैं, सीरस ले, इन दोनों क्या बोलते हैं, सीरस ले, राइट, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अब आपको देखो यहाँ पे कि पेराइटल और विसरल के बीच में एक स्पेस दिखाई दे रहा है, राइट, दे रहा है स्पेस, पेराइटल ऊपर वाली पेराइटल, नीचे वाली कौन सी है, विसरल, इन दोनों के बीच में एक स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं बेटा, ऊपर लिख दूं इस प्रकार से, इस स्पेस को बोलेंगे बेटा, ये जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियल स्पेस, राइट, इस पेरिकार्डियल स्पेस पे दिखाई दे रहा है बेटा, इस पेरिकार्डियल स्पेस पे क्या भरा होता है बेटा, वाटर भरा होता है, क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, इस पेराइटल और विसरल के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरिकार्डियल स्पेस, इस स्पेस में जो वाटर भरा है इस वाटर का नाम दिया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इस पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है इसका जो मेन फंक्शंस होता है, वो मेन फंक्शंस होता है बेटा, ये प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है किसको, फ्रिक्शंस को, यहाँ देखो बेटा, रिड्यूस या प्रिवेंट करता है किसको, फ्रिक्शंस को, आप रिड्यूस कर सकते हो या फिर क्या करता है, प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स बचाना, प्रिवेंट करता है बेटा किसको, फ्रिक्शंस को, यानी कि फ्रिक्शन, यानी कि जब हाथ क्या करता है इस प्रकार से पंप करता है तो उनकी जो लेयर है उनके बीच में क्या होगा बेटा, घिसाव होगा, होगा कि नहीं होगा, घिसाव को फ्रिक्शन होते हैं, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है या फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है बेटा, यहाँ पर आप रिड्यूस कीजिए अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रिवेंट में तो आप फ्रिक्शन को बचाता है, सही है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है, जो घिसाव है उसको क्या करता है बेटा, कम करता है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिड्यूस, रिड्यूस करता है बेटा किसको, फ्रिक्शंस को, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, यहाँ पर ये देखो ये पेरिकार्डियल है, राइट, एक फाइबर्स होती है, दूसरी कौन सी होती है, विसरल होती है, जैसे मान लीजिएगा आउटर है यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिस स्पेस पे भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और ये क्या काम करता है बेटा, रिड्यूस करता है किसको, फ्रिक्शंस को, रिड्यूस करता है किसको, फ्रिक्शंस को, राइट, यहाँ तक समझ में आया, और यानी कि जो मायोकार्डियल लेयर होती है ये हार्ट को 95% बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मायोकार्डियम इकलौती एक ऐसे लेयर है जो हार्ट को 95% तक क्या करते बेटा, निर्माण करती है, हार्ट का निर्माण या हार्ट का बनाने के लिए मायोकार्डियम का 95% योगदान है,
बाकी 5% में दोनों आ जाते हैं। ये कौन सी बेटा, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन मिडल लेयर है लेकिन हार्ट को 90% बनाने का काम करती है, राइट? कितना परसेंट? 95% बनाने का क्या करती है बेटा, काम करती है, ठीक है? आगे समझ में, यानी कि मायोकार्डियम बेटा, ये लिखा आपने, लिखा, अगर नहीं लिखा हो क्या लिख लिया, लिख रहे हो बेटा, ये लिखा बेटा, दो बेटा दो, देखो यानी कि जो ये मायोकार्डियम लेयर होती है, ये मायोकार्डियम लेयर कौन सी होती है बेटा, मिडल लेयर होती है। कौन सी होती है? मिडल, मिडल मींस बीच की लेयर होती है, राइट? ये कौन सी होती है बेटा, मिडल लेयर होती है। कौन सी होती है? मिडल लेयर होती है, राइट? बीच की लेयर होती है, मिडल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है बेटा? मिडल लेयर होती है। दूसरी, यानी कि ये बनी होती है बेटा किसकी, ये तो फाइबर्स की बनी होती है, नाम से पता चल रहा है, फाइबर्स की बनी होती है, फाइबर्स एंड क्रेटिस, लेकिन ये नाम से पता चल रहा है, मायो, मायो का मीन्स होता है बेटा, याद रखना, नोट कर लेना, मायो, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, मायो का मीन्स होता है मसल, मायो का मीन्स होता है क्या, मसल, यानी कि जो एंडोकार्डियम लेयर है बेटा, ये किसकी, कार्डियक, कार्डियक मसल की बनी होती है। इसके बनी होती है बेटा, बनी होती है, राइट? क्या, हाँ बेटा, जो कार्डिक मसल आपने सुना होगा ना, ये ओनली हार्ट में प्रेजेंट होती है और ये कार्डिक मसल की बनी होती है, राइट? और इसका मेन फंक्शंस होता है, किसका, मेन फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियम, सॉरी मेन फंक्शन ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम का जो मेन फंक्शंस होता है बेटा, ये हार्ट पंपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और ट्रैक्शन रिट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा। मायोकार्डियम, यहाँ लिख रहा हूं, मायोकार्डियम इज ए रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन, हार्ट को संकुचित और रिलैक्स करने के लिए क्या होते हैं बेटा, रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन के लिए क्या होती है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होती है और हार्ट को 90% बनाने का काम करती है। यानी कि मेन जो पंपिंग एक्शन करती है हार्ट, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पंपिंग एक्शन के लिए, क्योंकि हार्ट में होती 95% क्या है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या करती है, हार्ट को पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इस प्रकार से हार्ट क्या होता है बेटा, पंप करता है, इसके लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, राइट? याद रहेगा। इसके बाद आ जाओ बेटा एंडोकार्डियम, जो एंडोकार्डियम होती है बेटा, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, और बेटा ये क्या करती है, ये क्या करती है बेटा, इनर मोस्ट होती है और ये किसकी बनी होती है, एंडोथेलियम की बनी, एपिथेलियम की बनी होती है, किसकी बनी होती है, एपिथेलियम। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा फंक्शंस, ये क्या करती है, स्मूथ लाइनिंग, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड क्या करती है बेटा, प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग, समझ आओगे बेटा, प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग किस किस को बेटा, ये प्रोवाइड करती है स्मूथ लाइनिंग, एरो डाल के लिखना, हार्ट वाल्व एंड हार्ट चेंबर, हार्ट चेंबर एंड हार्ट वाल्व को स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। और इसका जो सेकंड फंक्शन होता है बेटा, यहां लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है, ये क्या करती है बेटा, फ्रिक्शन को, यानी कि प्रिवेंट करती है फ्रिक्शंस,
बिटवीन द ब्लड एंड हार्ट वॉल प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग हार्ट वॉल एंड हार्ट चैम्बर हाँ हार्ट वॉल एंड हार्ट चैम्बर को स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है स्मॉल लाइनिंग क्या करते हैं बेटा प्रोवाइड करती है इसको हार्ट वॉल को एंड हार्ट चैम्बर को राइट और सेकंड है ये क्या करते बेटा प्रिवेंट करती है यानी कि रिड्यूस या प्रिवेंट करती है फ्रिक्शंस यहां लिख रहा हूं बेटा प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड हार्ट वॉल यानी कि प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन को देखा बेटा रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड हार्ट वॉल जो हार्ट वॉल और ब्लड के बीच में क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड भरा होता है और हार्ट इस प्रकार से क्या करता है इसका पंप करता है पंप करता है तो हार्ट और ब्लड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने का काम करती है क्या करते बेटा उसको रिड्यूस करने का काम करती है ये तीनों लेयर समझ में आ गया एक बार आपने क्या लिखा दो मिनट है आप एक बार सुपरफिशियली देखो फिर मैं समझाता हूँ फिर इसको मिटाते हैं वापिस क्या हो बेटा अभी आप एक दो बच्चे हैं इसलिए बना देता हूँ बाकी जब ज्यादा है ना बेटा ऐसे करो और बचपन में आप पढ़ते होंगे ना छोटा फिर क्या हुआ भूल गए अपने बना लिया करो कोई दिक्कत नहीं बेटा बायो के स्टूडेंट हो आप नर्सिंग कर ली है डायग्राम तो मेन आपका क्या होना चाहिए आर्ट होना चाहिए बेटा आप तो मजाक मानेंगे जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे टीचर दानव थे दानव जानते हो हाँ बेटा लिखो क्या थे दानव थे हमारे हाथ ऐसे करवाते थे ऊपर और पीछे से बटक में मतलब इस प्रकार से मारते थे इतना असाइनमेंट देते थे इतना होमवर्क देते थे कि आप तो उस होमवर्क के तले दब जाओगे टीचर पहले के ही टीचर थे अभी के टीचर डरते भी नहीं है क्योंकि अभी के बच्चे थाने में पहुंच जाते हैं पहले वो कूदते थे इधर से मतलब टीचर कूदता था और गलती से घर चल गए और घर जाके बोल दिया कि पापा जी टीचर ने कूटा तो पापा जी भी कूटना स्टार्ट कर देते थे और कूदते कूदते स्कूल ले जाते थे मतलब टीचर कम कूदता था पापा जी ज्यादा कूदते थे क्योंकि पहले के लोग प्यार भी करते थे लेकिन लाड लेते लाड बाहुल्य नहीं बनाते थे पहले डरता बेटा क्योंकि हमारी एज फिर भी थोड़ा कम हो गया था लेकिन अपने पापा जी के एज में जाए ना अगर गांव का कोई बुजुर्ग या पापा ताऊ जी कोई मार्केट में या मार्ग में दिख जाए तो हम रास्ता साइड करके जाना पड़ता था कि पापा जी हैं और अभी तो पापा जी के सामने ऐसे जाते हैं बच्चे अब पापा कन्वर्ट टू डैडी अब क्या जनरेशन ऐसी आ गई खान पीन जैसा हो गया और मास मीडिया अब तो बच्चे मतलब बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं क्योंकि तो जो लड़कियां नॉन वेज खाती है कौन कौन खाते हैं
सबका नहीं, अच्छी बात है जो खाते हैं और जो नहीं खाते हैं उनके लिए अच्छी बात है, नहीं खाना चाहिए, और जो खाते हैं उसके लिए कहूंगा नहीं कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो नॉन वेज में जो भी होता है एनिमल्स, उस एनिमल्स को क्या करते हैं बेटा, इंजेक्शन के थ्रू मैच्योर किया जाता है, ठीक है। आज आपने देखा होगा कि पहले जो लड़की के अंदर प्यूबर्टी आती थी लगभग 12 से 14 साल की उम्र में आती थी, लेकिन आज फॉरेन के अंदर 7 साल की लड़की मतलब की क्या होती है बेटा, रिप्रोडक्टिव तैयार हो जाती है, क्योंकि वो इंजेक्शन उसको इमेच्योर कंडीशन में क्या कर देते हैं, मेच्योर कर देते हैं। 18-19 तक आते आते उनकी यूट्राइन कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है, तो इंजेक्शन से पकाए जाते हैं सारे, क्योंकि 18 का चूजा दूसरे दिन में 3 महीने का नजर आता है। आओ लेकिन सेफ तरीके से, इसलिए आजकल सुनने की क्षमता भी कम हो गई है लड़कों और लड़कियों की, क्योंकि जैसा देखते हैं अभी वो एक मूवी आई थी पुष्पा झुकेगा नहीं, बच्चों का स्टेटस ये होता है पुष्पा झुकेगा नहीं, पुलिस उसको जैसे ट्रैफिक पुलिस आवाज देते हैं रुक जा बेटा रुक जा, वो बोलते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं, पुलिस वाले बहुत बुरी तरह मारते हैं उनको कि मैं बताऊं पुष्पा झुकेगा भी सही, फिर मुर्गा भी बनेगा। तो मूवी बच्चों को क्या करती है, बिगाड़ देती है। अच्छी अच्छी मूवी बने, अब अच्छी अच्छी मूवी तो देखते नहीं है बेटा। सुपर 30 मैं बताऊं अच्छी मूवी, सुपर 30 का नाम सुना है आपने, मूवी का नाम है बेटा, एक फिल्म है जिसका नाम है सुपर 30। इसका जो किरदार था, जो रोल प्ले किया था, वो किया था बेटा आनंद, मतलब यानी कि आनंद सर का, आनंद कुमार यानी कि आनंद सर का करेक्टर रोल प्ले किया था। आनंद सर एक ऐसे सर थे कि बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे झुग्गी झोपड़ी, जिनके छत पे क्या नहीं था बेटा, जिनके सिर पे छत नहीं थी, खाने को दाने नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, चलने के लिए कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस बंदे ने जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, आईआईटी की, उसके बाद अच्छा कॉलेज मिला, कॉलेज मिलने के बाद नौकरी भी मिली, लेकिन नौकरी छोड़ के वापस अपने बिहार पे चले गए। बिहार में जाने के बाद जो गरीब लड़के थे उनको फ्री में एजुकेशन दी इन्होंने, सब कुछ फ्री में दिया, फिर उन 100 में से इनको 30 सेलेक्ट किए, 100 में से 30 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया और 30 को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेजा है उनको, 30 के 30 सिलेक्शन होता था, इसलिए बना है सुपर 30। और आज बड़े बड़े किरदार निभाते हैं सुपर 30। बेटा सुपर 30 का एक डायलॉग है, आपकी रगों में अगर समाए तो मैं बताऊं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम कोई अकबर के या मुगल खानदान से या फिर सिकंदर खानदान से तो है नहीं, राइट। हम एक मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इज्जत तो हमारी ऐसे भी नहीं है, समझ रहे हो, इज्जत नहीं है बेटा। इज्जत उनकी होती है जो मुगल खानदान को, यानी कि जिनके पास बहुत पैसा है, दुनिया उनके ऊपर है, अपने पास कुछ नहीं है खोने का, ना अपने पास मौत है, कुछ नहीं है, तो बेटा फिर डर किस बात का, या तो आप जीत जाओ या फिर वहां से सबक सीख लो। अरे इसका एक डायलॉग है, आप तैयारी कर रहे हो, अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मरी तो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाओगे, मर जाओ लेकिन समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी बन के ही जाना बेटा, आने वाले टाइम में अच्छा होगा। सुपर 30 अच्छी मूवी है, सर्च कर रहा बेटा, लिख लिया सभी ने, यस सर, बेटा लिख लिया सभी ने, यस सर, बेटा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, यानी कि लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर से मिलकर बना होता है बेटा, पेम या फिर क्या बोलते हो मेथ, आउटर जो मोस्ट लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं,
जो मिडल लेयर होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, इनर लेयर होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। एक एक फंक्शन देखो रानी, जो पेरिकार्डियम होते हैं बेटा ये आउटर लेयर होते हैं, इसका काम प्रोटेक्शन का होता है, हार्ट को एक्सेसिव स्ट्रेस होने से क्या करती है बेटा प्रिवेंट करती है। मायो मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, ये हार्ट को कॉन्ट्रेक्शन और रिट्रेक्शन के लिए क्या होती है रेस्पॉन्सिबल होती है। और एंडोकार्डियम होती है बेटा ये हार्ट वाल में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और हार्ट वाल और हार्ट चैम्बर को क्या करती है बेटा, इस प्रकार से हार्ट वाल एंड हार्ट चैम्बर जहाँ पे वाल होते हैं ये वाल इनको स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है, राइट। यानी कि पेरिकार्डियम दो लेन से मिलकर बनी होती है, फाइबर्स पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम, फाइबर्स और सीरस पेरिकार्डियम से मिलकर बनी होती है। जो फाइबर्स पेरिकार्डियम होता है इसका मेन फंक्शंस होता है बेटा, ये क्या करती है प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट करती है एक्सेसिव एक्सेसिव स्ट्रेचिंग से, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग से क्या करती है बेटा प्रिवेंट करती है, राइट। देन जो सीरस होते हैं दो लेयर से मिलकर बनी होती है, पेराइडल एंड विसरल, यानी कि पेराइडल और विसरल के बीच में क्या होता है बेटा एक स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और यहाँ पर जो फ्लूड भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड। ये पेरिकार्डियल फ्लूड क्या करता है कि जो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन के दौरान जो फ्रिक्शन होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मिडल लेयर मायोकार्डियम होती है, स्मूथ मसल की सॉरी कार्डिक मसल की बनी होती है और हार्ट को 95% बनाने का काम करती है। इसका मेन एक्शन होता है हार्ट को पंप करवाना, ब्लड को पंप करवाना, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन रिट्रेक्शन करवाना। इनर एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है बेटा, प्रोवाइड करती है स्मूथ लाइनिंग इसके हार्ट वाल हार्ट चैम्बर्स को, राइट। और फ्रिक्शन को क्या करती है बेटा रिड्यूस करती है, बिटवीन द ब्लड एंड हार्ट वाल के बीच में जो घिसाव होता है उसको कम करने का काम करती है, राइट बेटा। कल से पढ़ेंगे वाल ऑफ द हार्ट, राइट, बेस ऑफ द हार्ट, बॉर्डर ऑफ द हार्ट और चेंबर ऑफ द हार्ट, जिसमें अपने ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अभी 2 मिनट आप ब्रेक ले लो, उसके बाद आपकी सीएचएन की क्लास है। टाइम लेंगे आप? मैम लेंगे बेटा, अभी ऑनलाइन हो जाएंगे सब आप, है ना, यहाँ से लो आप। हाँ संडे से आपके ऑफलाइन हो जाएंगे बेटा, आपने नोट कर लिया है? 2 मिनट रिफ्रेश हो जाओ की। बेटा आपका जो मैम का टॉपिक चल रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैम का टॉपिक चल रहा है, आवाज नहीं आ रही बेटा? सर आ रही है, आ रही। हाँ, जो मैम का टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू MPCHO, वहां से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डायरेक्ट पूछा जाएगा इस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है, जैसे टीबी का पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइन, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, बेटा 3 चीज में से क्वेश्चन बनते हैं। तो फुल अटेंशन के साथ आप देखेंगे मैम की क्लास, सिर्फ क्या याद रखना है, सिम्टम्स, पॉजिटिव एजेंट, राइट, ठीक है बेटा।